हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी कि फेब 2021 आप सबके लिए कैसा रहेगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे 12 सन साइंस से। सन साइंस के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि कौन से क्रिस्टल्स, कौन से कलर्स आपके लिए अच्छे रहेंगे और आपको अपने कौन से चक्रास पे काम करने की जरूरत है, कि आपकी फाइनेंसेस, करियर, लव लाइफ सब कैसे रहेगी, ये आज हम इसमें कवर करेंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ एरीज से। एरीज आपके लिए कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मतलब कि आपके लिए ये मंथ बहुत अच्छा रहेगा पैसे के हिसाब से, फाइनेंशियली, बट आपको हैंडल करना पड़ेगा। क्वीन की तरह आपको अपने फाइनेंसेस को हैंडल करना पड़ेगा, लाइन अप करना पड़ेगा। देन अबंडेंस का कार्ड है कि आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, बस थोड़ा सोच समझ के प्लान करके चलने की जरूरत है। आपकी लव लाइफ भी अच्छी रहेगी। आपको हेल्पफुल पीपल का कार्ड है आपके लिए, एंजल मैसेज। एंजल मैसेज में मतलब कि आपको अपने काम के लिए कुछ लोग मिलेंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे और उससे आपका काम आगे बढ़ेगा। और इस मंथ में अगर आप अपने पास पाइराइट स्टोन रखते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी लव लाइफ भी इससे एनहेंस होगी और आपके काम में जो काम कई चीजें टल रही होती हैं हमारी, वो सब काम पूरे होने लग जाएंगे। अब मैं देखूंगी टॉरस। टॉरस आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है कि आप किसी नई चीज में लीप लोगे, कोई नया काम स्टार्ट हो सकता है या पहले वाले काम को कुछ नए ढंग से आप करोगे। अपने पुराने बैगेजेस को आपने छोड़ना है, अपनी पुरानी चीजों को, पुरानी बातों को छोड़ के एक नया लीप लीजिए। आप एक अननोन, अगर कोई चीज भी आपके सामने आती है, कोई काम या कोई लव लाइफ आपकी, कोई आपके लिए अगर आप रिश्ता देख रहे हो मैरिज के लिए, तो भी आप उसको फेथ के साथ लीप ले लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। देन आपका कार्ड आता है मास्टर का, कि आप अपने माइंड को अपना मास्टर मत बनने दो, आप अपने माइंड के खुद मास्टर बनो। मतलब अपने माइंड को आपने हैंडल करना है। जो आपका माइंड सोच रहा है वो आपसे काम नहीं करवाएगा, आपने अपने माइंड को हैंडल करके आगे बढ़ना है और कोई चीजों को जो आप बहुत दिनों से टालते आ रहे हो उनको पूरा करने की कोशिश करनी है। आपके लिए एंजल मैसेज है अपॉर्चुनिटी का। अपॉर्चुनिटी मतलब कि आपके पास कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपके काम के लिए भी आएगी और आपकी लव लाइफ में भी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। तो आप इस महीने में अपने पास टाइगर्स आए रखिए। टाइगर्स आए आपको फोकस करने में, ग्राउंडेड रखने में आपकी हेल्प करेगा। अब मैं देखूंगी जेमिनाइज। जेमिनाइज आपके लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है कि ये मंथ आने वाला आपके लिए पैसे से बहुत अच्छा जाएगा। आपके कोई काम बनेंगे, कोई रुके हुए पैसे आपके आपके पास आएंगे। देन आपके लिए कार्ड आता है रिबेल का, कि कई बार आपके माइंड में आपका माइंड रिबेल करेगा, परेशान होगे कि ये मेरे काम क्यों नहीं बन रहे, क्या हो रहा है मेरे साथ, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा शांति से रहने का टाइम है। वन ईयर फ्रॉम नाउ, कि अगर आप चाह रहे हो कि इमीडिएटली मेरे कोई काम बन जाए तो उस चीज के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस 2021 में आपके रुके हुए सब काम पूरे होंगे और बन जाएंगे, बट आपको पेशेंस की जरूरत है। आपको अपने पास लैब्राडोराइट का क्रिस्टल रखना चाहिए, उससे आपके रुके हुए काम भी बनेंगे और आपका लक एनहांस होगा। अब हम देखेंगे कैंसेरियंस। कैंसेरियंस आपके लिए सन का कार्ड है, मतलब कि ये महीना फाइनेंसेस के लिए आपके बहुत अच्छा है। आपके फाइनेंसेस अच्छे होंगे, आपके कहीं रुके हुए काम पूरे होंगे। अगर कोई एक्सपेक्ट करना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे काम पूरे हों, तो वो इस महीने में जरूर पूरे हो जाएंगे। लेटिंग गो का कार्ड है, कि आपको अपनी लव लाइफ में कई चीजें लेट गो करने की जरूरत है। कहीं बिजनेस में भी, जॉब में, लव लाइफ में आप चीजों को पकड़ के मत बैठो, परेशान मत हो, लेट इट भी करना सीखो, आपके हर काम पूरे होंगे। आपके लिए एंजल मैसेज है यू आर रेडी, मतलब कि आपके लिए सब कुछ एंजल्स ने, यूनिवर्स ने रेडी किया हुआ है, बस आपको मिलने वाला है। सो बी पेशेंट, किसी भी चीज पे अटको मत, लेट इट बी करो, कई काम आपके अपने आप बन जाएंगे।
आपको अपने पास कार्नेलियन स्टोन रखना चाहिए। कार्नेलियन आपके लव को बहुत अच्छे से इनहेंस करेगा, आपकी हेल्थ के लिए भी ये स्टोन अच्छा रहेगा। अब मैं देखूंगी लियोज का। लियोज आपके लिए है कि आपको सोच समझ के स्टेप लेना है, कुछ भी चीज जो आप आगे करने वाले हो उसको थोड़ा शांति से सोचो समझो और आगे बढ़ो। देन आपका कंडीशनिंग का कार्ड है कि आपको कई चीजें आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता, तो वो चीज आप कर सकते हो, बस आपको एक नए नजरिए की जरूरत है और अपने मन को पूरी तरह से शांत करके फिर आप आगे बढ़ने की कोशिश करो। और कम्युनिकेट क्लियरली एंजल मैसेज है कि आपकी कम्युनिकेशन इस समय आपके काम आएंगी। आप अगर किसी से बात कर रहे हो तो बहुत अच्छे से सोच समझ के बात करो और वो चीज आप क्लियर करो। अगर आपका कोई पॉइंट आपके माइंड में है तो आपको वो क्लियर करना चाहिए। वो पॉइंट क्लियर आपके नहीं कर पाओगे अगर तो आपको आगे जाके परेशानी होगी। हमारे माइंड हमारी बातों को क्लियर करने के लिए हमारे थ्रोट चक्रा जो है वो सबसे ज्यादा अहम रोल निभाता है, तो उसके लिए हमारे को लापिस लाजुली जो कि थ्रोट चक्रा का स्टोन है वो अपने पास रखना चाहिए। लापिस लाजुली आपको आगे बढ़ने में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहेंस करने में आपकी बहुत मदद करेगा। अब मैं देखूंगी वर्गोस। वर्गोस आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है कि आपके लिए इस मंथ में सब कुछ रेडी है, सब कुछ आपको मिलने वाला है, जस्ट वेट एंड वॉच। और आपको कई जगह से कुछ गुड न्यूज मिलेगी, स्लोइंग डाउन, एंड आपको थोड़ा सा शांत थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे आपकी लव लाइफ है या फिर आपके कोई डिसीजंस है, थोड़े आराम से सोच समझ के लो, सब कुछ आपका अच्छा रहेगा। लिसन टू योर इंट्यूशन कि आपको अपनी इंट्यूशन से चलना है, आपने ये नहीं सोचना कि वो बंदा क्या कर रहा है या दूसरा क्या कर रहा है, आपकी इंट्यूशन जो आपको करती है कहती है वो आप करो, आप अपने आप ठीक हो जाओगे। आप अपने पास क्लियर क्वार्ट्स यानी स्फटिक क्लियर क्वार्ट्स अपने पास रखते हो तो आपके माइंड को पावर मिलेगी कि आप अपने डिसीजन अच्छे से ले सको। अब मैं देखूंगी लिब्रास। लिब्रास आपके लिए भी बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। वर्ड का कार्ड मतलब कि आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, आप जो भी काम करना चाह रहे हो वो पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके काम अपने आप पूरे हो जाएंगे, आपको किसी भी बाहर से हेल्प की जरूरत नहीं है, आप खुद वो काम पूरे कर सकते हो। देन मैं देख रही हूं कि आपके लिए मैच्योरिटी का कार्ड है कि आपके अंदर वो चीज है, वो मैच्योरिटी है और कहीं आपके काम है, लव लाइफ, आपकी जो चीजें सोची हुई हैं वो अब पूरा होने का टाइम आ गया है, बस थोड़े एक्शन की जरूरत है। अब आपके लिए एंजल मैसेज आता है यस का, तो इससे तो ऑब्वियस है कि आपके हर काम के लिए एंजल्स की तरफ से यस है, चाहे वो आपके बिजनेस हो, जॉब हो, लव लाइफ हो, कोई नए रिलेशन में एंटर करना चाह रहे हो, तो आपके लिए ये बहुत परफेक्ट टाइम है। आप अपने पास ये मून स्टोन रखिए, मून स्टोन आपको बहुत कामिंग इफेक्ट देगा आपके काम इन्हेंस करने में, आपकी लव लाइफ के लिए, हर चीज के लिए ये आपको हेल्प करेगा। अभी मैं देखूंगी स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस आपके लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है जस्टिस का कि आप जो दोगे, आप जो अपने काम को जिस जितना टाइम जितनी उसके अंदर एफर्ट्स डालोगे वो आपको जरूर मिलेंगे। कि ये भी नहीं कि आप काम करो और आपको फल ना मिले, और ये भी नहीं कि बैठे बैठाए आपको कुछ मिले, तो आपको मेहनत करनी है, उस मेहनत का फल जरूर मिलेगा। और अगर आपका कोई केस या कोई इस तरह की चीज जो कोर्ट में है वो चल रही है तो इस टाइम आपके हक में फैसला आने के बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं। देन कंपैरिजन कि आप अपने आप से किसी का कंपैरिजन मत करिए, हर एक की अपनी यूनिक लाइफ होती है, तो आपके जो गुण हैं वो अलग हैं, दूसरे के अलग हैं। आप ट्राई करो कि जैसे आप हो, आपकी जो गट फीलिंग्स हैं आप अपने उस हिसाब से काम करो, आपके काम अपने आप बनेंगे।
देन रिकवरी का कार्ड है, एंजल मैसेज इज रिकवरी। तो रिकवरी का मतलब कि आपके पुरानी जो कोई हीलिंग थी आपके माइंड में, आपकी कोई परेशानी चल रही थी, तो वो सबकी रिकवरी हो जाएगी। कोई पैसा अटका हुआ था वो आपको मिल जाएगा, कोई नया काम स्टार्ट होगा। आपको अपने पास ब्लैक टॉर्मलाइन रखना चाहिए जो आपकी सब नेगेटिव एनर्जीज को खत्म करके पॉजिटिविटी को इन्हांस करेगा। और अगर आप कंप्यूटर्स वगैरह पर भी ज्यादा काम करते हो तो ये स्टोन आपकी जो कंप्यूटर्स वगैरह की नेगेटिव एनर्जीज और जो जो इलेक्ट्रॉनिक से हमारे ऊपर जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उनको ये ठीक करता है। अब मैं देखूंगी सेजिटेरियंस। सेजिटेरियंस आपके लिए है पेज ऑफ सोर्ड्स, मतलब किसी चीज की नई शुरुआत लग रही है, कुछ नया स्टार्ट होगा, बट आपने उसको बहुत ग्राउंड लेवल पे देखना है। उसके लिए आपने ये नहीं कि आप एकदम एक्सपेक्ट करने लग जाओ कि मैंने काम शुरू किया और अब तो मुझे बहुत कुछ मिल जाना चाहिए। सब कुछ मिलेगा बट वेट, आपको बहुत आराम से अभी शुरुआत है, जो भी आपने किया है वो आपको आगे जाके बहुत अच्छा फ्रूट मिलेगा उसका। शेयरिंग का कार्ड है कि आपके साथ आपकी लव लाइफ में आपको अपने अपने विचार, अपनी बातें अपने पार्टनर के साथ शेयर करने हैं, अपनी चीजें शेयर करो और उनकी बातों को भी सुनो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देन आपके लिए एंजल मैसेज है द सिचुएशन विल इम्प्रूव, चाहे वो आपकी काम हो, आपकी जॉब है, आपकी लव लाइफ है, आपकी आने वाले टाइम में इस मंथ में सिचुएशन इम्प्रूव होगी। और आपको सनस्टोन, सनस्टोन का अपने पास रखना चाहिए, ये आपको स्ट्रेंथ देगा, आपके कामों को बनने में इनहेंस करेगा और आपको कामिंग इफेक्ट देगा। देन मैं देखूंगी केप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स आपके लिए थोड़ा मेहनत का टाइम है, आप मेहनत करोगे। आप ये मत सोचो कि मेरा काम क्यों रुक रहा है, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूं और मुझे कोई फ्रूट नहीं मिल रहा या मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। सो डोंट वरी, ये वो टाइम है जब हम कोई जगह पर रुकते हैं और आगे के लिए बारे में प्लान बनाते हैं, पीछे के बारे में सोचते हैं कि हमने क्या क्या किया, तो आपका वो टाइम है। तो आप थोड़ा रुको, आराम से अपनी प्लानिंग बनाओ, आगे के बारे में सोचो, आपका अपने आप काम सारे आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह बनने हैं। आपकी लव लाइफ में इस समय थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करनी है, क्योंकि आपका कार्ड है नॉट द राइट टाइम। इस समय आपको बहसबाजी नहीं करनी, आपको पीस ऑफ माइंड बना के रखना है, कामिंग इफेक्ट अपने लिए रखना है। ये आपके काम के लिए भी है, आप देख सकते हो कि कार्ड कितने आपके लव लाइफ काम सबके लिए थोड़ा सा रुक के अपने कामों को, अपने करने के तरीकों को एनहांस करने का, एनालाइज करने का टाइम है कि मैं किस तरीके से काम कर रहा हूं और कैसे मुझे करना चाहिए। उसके लिए आपको अपने पास सिट्रीन स्टोन रखना चाहिए। सिट्रीन आपको काम को बढ़ाने में, कैश फ्लो के लिए, आपकी लव लाइफ और लक के लिए हर तरह से अच्छा रहेगा। देन हम देखेंगे एक्वेरियंस। एक्वेरियंस आपके लिए हैंग्ड मैन का कार्ड है। हैंग्ड मैन मतलब कि थोड़ा सा सेक्रीफाइस का भी टाइम है और आपके बिजनेस या जॉब में अगर आप हो तो आपको अपने कामों को थोड़ा कुछ नए तरीके से करना है, कुछ क्रिएटिविटी से, कुछ नए तरीके से काम को करना है, तो वो चीज आप ध्यान रखो। साथ में आपका चेंज का भी कार्ड है, दोनों ही चेंजेस के कार्ड है एक तरीके से, कि आप अपनी लव लाइफ में जो तरीके से आप अपने पार्टनर के साथ हो अपने तरीकों को चेंज करो, अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर आओ, अपने काम में भी कुछ चेंजेस लाओ, तो आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। वेट कि आपको थोड़ा सा वेट करिए, ये कार्ड देखिए आपको बोल रहा है कि आपका थोड़ा सा टाइम ऐसा है कि अभी आप वेट करो, आगे आने वाले टाइम में चेंजेस जब आएंगे, आप खुद अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आओगे तो वो चीज अपने आप ठीक होने लग जाएगी। तो थोड़ा सा वेट करो, परेशान मत हो कि काम क्यों नहीं बन रहे, क्योंकि आपको अपने अंदर चेंजेस की जरूरत है। ये गोमती चक्र आप अपने पर्स में रखिए, गोमती चक्र रखने से आपके फाइनेंसेस एनहांस होंगे, आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं फाइनेंसेस में वो धीरे धीरे खत्म होती नजर आएंगी। और लव लाइफ के लिए आप रोज क्वार्ट्ज भी अपने पास रख सकते हो तो आपके रिलेशनशिप एनहांस होंगे। अब मैं देखूंगी लास्ट पाइसेस। पाइसेस आपके लिए कार्ड बहुत
डिफरेंट कार्ड है कि एक तरफ पार्टी का कार्ड है, फ्रेंड्स का कार्ड है, तो एक तरफ अलोननेस का कार्ड है. एंड मतलब कि आप एंजॉय करोगे, आपको पार्टनरशिप भी मिलेगी, आप अपने काम में भी आगे बढ़ोगे, आपको सब फ्रेंड्स के साथ भी आप रहोगे, लेकिन आपकी लव लाइफ में आप अलोननेस फील करोगे. एंड आपका एंजल मैसेज देखिए कि इट्स अप टू यू, कि ये आपके ऊपर है कि आप अपनी लव लाइफ, आप अपनी पार्टनर के साथ अपनी जो बेटरमेंट है वो आपके अपने हाथ में है कि वो आप कैसे बढ़ाते हो, कैसे बातचीत करते हो. अगर आप वो करते हो तो आपका बहुत अच्छा टाइम है, नहीं तो आप अपनी लव लाइफ में बहुत अलोननेस फील करोगे. तो उसके लिए आपको अपने पास ग्रीन एवेंचुरिन रखना चाहिए जो कि आपकी हार्ट चक्रा पे काम करेगा. वो आपको आपकी लव लाइफ, आपके पीस ऑफ माइंड, आपके एटीट्यूड सबको एनहांस करके आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा. तो आज हमने देखा फरवरी का ओवरऑल जर्नल, किस तरह से हमारी फेब मंथ जाएगा. तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारी लव लाइफ को हम क्रिस्टल्स के साथ किस तरह इन्हांस कर सकते हैं और हमारे चक्रास को हम लव लाइफ के लिए किस तरह बैलेंस करना चाहिए. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए या उनको इस वीडियो में टैग करिए. थैंक यू.